गन्ना एवं चीनी उद्योग उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के तत्वाधान में गन्ना किसान भाइयों के सर्वांगीण विकास हेतु उनके व्यापक हितों को दृष्टिगत रखते हुए विभिन्न विकास योजनाओं को क्रियान्वित कर लाभान्वित करने हेतु प्रयासरत है, जिससे एक और किसान भाइयों की समय समय पर होने वाली समस्याओं का निराकरण हो रहा है। साथ ही साथ गन्ना विभाग के कर्मचारियों अधिकारियों द्वारा किसान भाइयों के द्वार द्वार पर जाकर सूचनाओं के आदान प्रदान का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन आज इस आधुनिक परिवेश में जहां आर्थिक समरसता एवं सामाजिक समरसता के मध्य हमारी उत्तर प्रदेश सरकार की नीतियों के कारण गन्ना उत्पादक कृषकों के चौमुखी उन्नति की है एवं संचार क्रांति वर्ष किसान भाइयों के पास आधुनिक संसाधनों के साथ साथ मोबाइल फोन लैंडलाइन की सुविधा घर घर उपलब्ध है। गन्ना एवं चीनी उद्योग उत्तर प्रदेश ने गन्ना किसानों को लैंडलाइन मोबाइल के माध्यम से समस्त सूचनाएं तत्काल उपलब्ध कराने का अनूठा प्रयास किया है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा की गई पहल पर गन्ना आयुक्त उत्तर प्रदेश ने संचार सूचना प्रणाली के माध्यम से 4 बहु उपयोगी योजनाएं, प्रदेश में समस्त चीनी मिलों की वेबसाइट तैयार कराना, इंटरैक्टिव वॉइस रिस्पांस सिस्टम IVRS के माध्यम से सूचनाएं उपलब्ध कराना, मोबाइल से SMS सूचना उपलब्ध कराना, हैंडहेल्ड कंप्यूटर द्वारा गन्ना खरीद केंद्रों पर गन्ने की खरीद उपरांत कंप्यूटरित पर्ची जारी कराना, गन्ना विभाग द्वारा अपनाई गई वेबसाइट योजना से लाभान्वित गन्ना किसान भाइयों को हो रही खुशी एवं उनकी खुशियों की भागीदारी में आपको सम्मिलित करने हेतु गन्ना उत्पादन की दृष्टि से प्रदेश में सर्वाधिक योगदान करने वाले गन्ने के गढ़ जनपद मुजफ्फरनगर के ग्राम मादलपुर की चौपाल में ले चले, जिसके किसान भाई अपने गन्ने की आपूर्ति सहकारी गन्ना विकास समिति थाना भवन के माध्यम से बजाज हिंदुस्तान लिमिटेड थाना भवन को करते हैं। हमारा राजिंदर, हाँ जी, हमें नहीं पता लगा हमारा सट्टा किते गए, पर्ची किते गए, कुछ भी पता नहीं। अरे सर, प्रदीप को ले बुला के रख, उसे ला बुला के अपना लैपटॉप भी लेता वगा के रख, बुलवा के लाए भी दिखवाऊंगे, बैठ लो तब। युवालिया प्रदीप भी ये भी सारी पूछ लो, इससे सारी बताओ क्या होया। युवालिया प्रदीप जी, राम राम जी, आ गया ना, बैठ प्रदीप, यहाँ बैठ के रख, अरे ना देख का सारा बताओ, क्यूकर कुकर मामला है ना, कोई समझ में नहीं आ रहा है कि इन्हें थे न्यूज दिन यहाँ मील वाले आए, खत्म बताओ इनका सारा। अखबार दो पे, अखबार में देखता हूँ, ये अखबार में आया हुआ है, देखो इसमें क्या आया हुआ है जरा मील वालों की तरफ से। हाँ जी, आज इसमें वेबसाइट दे रखी है एक बजाज हिंदुस्तान के नाम से, थाना भवन, ठीक है, तो इसका मैं अभी इसमें वेबसाइट खोलता हूँ, उसमें सारी जानकारी मिल जाएगी आपको। हाँ जी बताओ हमें। हाँ आ जाइए, आप देख लीजिए। हाँ भाई बाबू जी, देखिए खुल गई पूरी फैक्ट, पूरी इसमें जानकारी इन्होंने दी हुई है, इसमें सारा मिल ही नहीं आएगा भाई। हाँ, इसमें सारी मिल की जानकारी है इसमें, कि हमारा ये है कि हमारा आप कितना सट्टा है, कितना हमारी पेमेंट है, हमारा कितनी बॉन्डिंग है, तो सब कुछ इसमें दिया हुआ, ये सारी जानकारी इसके अंदर आपको मिलेगी। अच्छा, जैसे जो पर्ची आप तोल चुके होगे वो भी जानकारी इसके ऊपर रहेगी। क्या तुल्ली बताइए, अभी आपकी 3 पर्ची तुल चुकी। अच्छा जी, 3 पर्ची आपकी तुल चुकी। हाँ, और 2 का पेमेंट आपका जा चुका। बात तो है तेरी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सुविधा है, जो भी कुछ आपकी जान चाहिए इसे आप खोलिए और पूरी जानकारी मिल जाएगी। आइए IVRS इंटरैक्टिव वॉइस रिस्पांस सिस्टम की जानकारी हेतु आपको ग्राम बनत की चौपाल में ले चलें, जहां के गन्ना कृषक अपने गन्ने की आपूर्ति सहकारी गन्ना विकास समिति शामली के माध्यम से चीनी मिल शामली को करते हैं। लो जी, सट्टे से संबंधित जानकारी के लिए 2 दबा दिया। 513 दशमलव शून्य। आइए आपको दिखाते हैं किसान गन्ना विकास विभाग द्वारा क्रियान्वित योजना SMS का किस प्रकार लाभ प्राप्त कर रहे हैं।
मैसेज आया है देखा है। इस योजना के तहत गन्ना सट्टा पर्ची एवं गन्ना मूल्य भुगतान आदि समस्त महत्वपूर्ण सूचनाएं SMS के माध्यम से किसानों के मोबाइल पर उपलब्ध होंगी। किसान घर बैठे बैठे गन्ने से जुड़ी तमाम जानकारियां। तो बड़ी अच्छी बात हुई इसमें तो भाई पर्ची का नंबर भी आने लगे पर्ची आने लगे। चलो भाई छोड़ कर दो बस हाथ तो सुनो। कितना वजन है यार? 15 क्विंटल 40 किलो। एक डंगा से लिया क्या? ये एक गवर्नमेंट ने मशीन भेजी चीनी मिलों को कि पहले जो पर्ची मैनुअल कटती थी अब कंप्यूटर के द्वारा कटेगी। कुछ गड़बड़ करने को तो नहीं इसमें? इसमें कोई गड़बड़ नहीं होगी। जो पहले कुछ लोगों की संदेह थी कि पर्ची जो मील वाले काटते हैं उसमें कुछ संदेह कर देते थे, पर्ची का वजन कम भर देते थे, इसमें जो जो आपको पर्ची मिलेगी उसका ही अंकन तुरंत कंप्यूटर के माध्यम से मील में पहुंच जाएगा डाटा सारा। तो मेरे मोबाइल पे आओगे इसका? हाँ, आपके मोबाइल पे मैसेज आ जाएगा चीज का कि आपका कितना वजन है आप इसका पर्ची का। तो सामान तो बढ़िया भाई, बहुत अच्छा है, बहुत भारी इसमें खर्चा किया गया चीनी मिल के द्वारा और इस सभी किसान भाइयों की सुविधा की गई है मिल के द्वारा। तो हमारी पहुंच गई मिल में पर्ची? आपकी मिल जो मैं जो है पर्ची की पहुंच गई, पूरा डाटा आपके मोबाइल पे भी इसका SMS आ जाएगा और आप दे सकते हैं। तो रेट पैसे भी सब आएगा, सब कुछ आएगा, सब भुगतान भी आएगा, चीनी मिल ने कितना किस रेट से भुगतान कर रही है और खाली वजन सब कुछ आएगा इसमें। ठीक है ना? ठीक है। इसकी दो प्रतियां निकली, एक प्रति आपको दे दी गई है, एक प्रति जो है चीनी मिल को जाएगी।